ये हाल है यजीद तेरा करबला के बाद फर्जंद भी तेरा तुझे पहचानता नहीं। कि ये हाल है यजीद तेरा करबला के बाद फर्जंद भी तेरा के लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं। कि लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं रास्ते में कितनी बार गिरा है पता नहीं। लेकर अली का नाम जो घर से चला है रास्ते में कितनी बार गिरा पता नहीं। लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं हौसला चाहिए रास्ते में कितनी बार गिरा है हौसला चाहिए होगा। कि लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं रास्ते में कितनी बार गिरा है पता नहीं। देखें ये हुस्ने मतला समात फरमाएं कि जिसने अज़ाए शह का तबर्रुक चखा नहीं। कि जिसने अज़ाए शह का तबर्रुक चखा नहीं सच बोलना भी चाहे तो वो बोलता नहीं। कि जिसने अज़ाए शह का तबर्रुक चखा नहीं कि सच बोलना भी चाहे तो वो बोलता नहीं। सच बोलना भी कि जिसने अज़ाए शह का तबर्रुक चखा नहीं सच बोलना भी चाहे हौसला चाहिए हौसला मोहब्बत तो वो बोलता नहीं। और देखें ये एक शेर समात फरमाएं लहद में मौला से गुफ्तगू होगी। इस ख्याल को नज़्म किया है समात फरमाएं अहले इल्म मौजूद हैं कि ज़ेरे ज़मीं भी हम पा करम ये अली का है। समात फरमाएं कि ज़ेरे ज़मीं भी हम पा करम ये अली का है ली है वहाँ भी सांस जहाँ पर हवा नहीं। ये अली का है कि ली है वहाँ भी सांस कि जहाँ पर हवा नहीं कि ली है वहाँ भी ज़ेरे ज़मीं भी हम पा करम ये अली का है ली है वहाँ भी सांस हौसला अफजाई हौसला अफजाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ली है वहाँ भी सांस जहाँ पर हवा नहीं। और देखें हजरात एक अलग हटा हुआ ख्याल है एक सलवात और भेजें आप हजरात के ज़ेरे ज़मीं भी हम पा करम ये अली का है ली है वहाँ भी सांस जहाँ पर हवा नहीं। हो देखें हजरात एक ख्याल है पेश किया है कि हर बूंद मिल्कियत है इमाम हुसैन की कि हर बूंद मिल्कियत है इमाम हुसैन की। खुसूसी तौर पर मुन्ने भाई समात फरमाएं कि हर बूंद मिल्कियत है इमाम हुसैन की ये सोच के फुरात का पानी घटा नहीं। हर बूंद मिल्कियत है इमाम हुसैन की ये सोच के फुरात का घटा नहीं ये सोच के फुरात का पानी घटा नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत हौसला अफजाई बहुत शुक्रिया बहुत बहुत जी शुक्रिया बहुत बहुत। और ये शेर भी समात फरमाएं कि अब्बास की वफा ने बहुत एहतियात से समात फरमाएं कि अब्बास की वफा ने बहुत एहतियात से पानी छुआ ज़रूर है लेकिन पिया नहीं। अब्बास की वफा ने बहुत पानी छुआ ज़रूर है लेकिन पिया नहीं। कि अब्बास की वफा ने बहुत एहतियात से पानी छुआ ज़रूर है लेकिन पिया नहीं। पानी छुआ ज़रूर है लेकिन पिया नहीं। और ये शेर भी समात फरमाएं कि ये हाल है
यजीद तेरा करबला के बाद कि ये हाल है यजीद तेरा करबला के बाद फर्जंद भी तेरा तुझे पहचानता नहीं कि ये हाल है यजीद तेरा करबला के बाद फर्जंद भी तेरा तुझे पहचानता नहीं और फर्जंद भी तेरा तुझे पहचानता नहीं। ये एक शेर इस सिलसिले का आखिरी और समात फरमाएं कि हौसला अफजाई के रहने दो उसके सामने दीवारे करबला के रहने दो उसके सामने दीवारे करबला काबे के पास और कोई आईना नहीं के काबे और कोई आईना नहीं के रहने दो उसके सामने दीवारे करबला काबे के पास और कोई आईना नहीं। और देखें हजरात असल में यहाँ आपके बनारस में आना होता ही है और तकरीबन सभी कलाम पेश कर चुका हूँ। कोशिश यह है कि नए कलाम कुछ अपने ज़रूर ताकि जो भी हो बहरहाल अंजाम शेर समात फरमाएं एक सलवात भेजें आप हजरात सहले मुमतना में एक मतलब हो तीन चार शेर के खुशबुए खाके शिफा अच्छी लगी के खुशबुए खाके शिफा अच्छी लगी करबला तेरी फ़ज़ा अच्छी लगी। यहाँ से शेर समात फरमाएंगे सहले मुमतना में दो तीन शेर पेश करूँगा समात फरमाएंगे कोई बात कही है कि करबला तेरी फ़ज़ा अच्छी लगी। और देखें हजरात एक नफ्सियाती शेर पेश कर रहा हूँ और चूँकि अहले इल्म का मजमा है सुखन फ़हम हजरात हैं तो वजाहत की ज़रूरत नहीं है जी समात फरमाएँ कि कर चुके जब मातमे शब्बीर हम के कर चुके जब मातमे शब्बीर हम दिल धड़कने की सदा अच्छी लगी के कर चुके जब मातमे शब्बीर हम दिल धड़कने की सदा अच्छी लगी दिल धड़कने की कर चुके जब मातमे शब्बीर हम दिल धड़कने की सदा अच्छी लगी। और ये शेर भी समात फरमाएं शेर भी समात फरमाएं के दफन हो जा करबला की खाक में के दफन हो जा करबला की खाक में मुझको तेरी बद्दुआ अच्छी लगी खाक में के दफन हो जा करबला की खाक में मुझको तेरी बद्दुआ अच्छी लगी के मुझको तेरी बद्दुआ अच्छी लगी के दफन हो जा करबला की खाक में दफन हो जा करबला की खाक में मुझको तेरी बद्दुआ अच्छी लगी। बहुत बहुत हौसला अफजाई शुक्रिया बहुत बहुत। और ये शेर भी समात फरमाएं कि जिसकी आँखों में थी कुछ कम रोशनी समात फरमाएं कि जिसकी आँखों में थी कुछ कम रोशनी हाँ उसे भी करबला अच्छी लगी कुछ कम रोशनी कि हाँ उसे भी करबला अच्छी लगी। और जब अली का नाम शामिल हो गया कि जब अली का नाम शामिल हो गया फिर अजानों की सदा अच्छी लगी कि जब अली का नाम शामिल हो गया फिर अली का कि जब अली का नाम शामिल हो गया फिर रजानों की सदा अच्छी लगी शुक्रिया कि जब अली का नाम शामिल हो गया फिर अजानों की सदा अच्छी लगी। और देखें हजरात ये सब तरह ही मिसरे हैं वहाँ की शब्दारियों के और ये अंजुमन गुलदस्त मैं पढ़ा था गालिबन शब्बीर ने ये काजिम भाई का मिसरा था नय्यरुल इस्लाम का वहाँ की शब्दारी थी कि मिसरा था कि जहाँ पर फर्श अज़ा बिछा है कदम वहीं पर ठहर गए हैं। और उसमें मेरी अंजुमन गुलदस्ता हैदरी उसने कलाम पेश किया था समात फरमाएं थोड़ा सा हटा हुआ कलाम है उसके बाद मौलाना लेकिन बिल्कुल नए शेर हैं। मैं समझता हूँ उससे बेहतर ही है कि ठीक है आप लोग दुआएँ दें दाद ना दें
उस चीज़ से अच्छा है कि फ़लाँ ने फरमाइश की थी, वो पढ़ दिया, वो पुराना कलाम पढ़ दिया, वो सब अच्छा है, फिर नया कलाम पेश करूँ। एक सलवात भेजें आप बता। समात फरमाए, पहली बार पढ़ रहा हूँ यहाँ, सिर्फ अंजुमन ने पढ़ा है, रवा भी नहीं है कि जहाँ पर फर्शे अज़ा बिछा है कदम वहीं पर ठहर गए हैं। मौलाना मतलब समात फरमाए कि अली की उल्फत का नूर लेकर हमारे चेहरे जिधर गए हैं, कि अली की उल्फत का नूर लेकर हमारे चेहरे जिधर गए हैं, सलाम आए हैं आसमां के अदब से लम्हे ठहर गए हैं, कि सलाम आए हैं आसमां के अदब से लम्हे ठहर गए हैं। और समात फरमाएं ये शेर यहाँ से कि वो करबला है वहाँ अदब से सलाम करना जबी झुकाना, वहाँ अदब से सलाम करना जबी झुकाना, वो करबला है वहाँ अदब से सलाम करना जबी झुकाना, गुरूर सरहद पर छोड़ देना, गुरूर उस जा बिखर गए हैं। वो करबला है वहाँ अदब से सलाम करना जबी झुकाना, गुरूर सरहद पर छोड़ देना, गुरूर उस जा बिखर गए हैं। और देखें हजरात ये शेर भी कि असल में रमा भी नहीं है, पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ, दो तीन साल पुराना है जी। बहरहाल शुक्रिया, बहुत बहुत हौसला अफजाई कि गुरूर सरहद पर छोड़ देना, गुरूर उस जा बिखर गए हैं, कि वही है आँखों में जोश गिरिया, वही लबों पर सदाए मातम। आप हजरात के हवाले से कि वही है आँखों में जोश गिरिया, वही लबों पर सदाए मातम, हमारा जज्बा जमा है अब तक, तुम्हारे जज्बात मर गए हैं। हमारा जज्बा जमा है अब तक, तुम्हारे जज्बात मर गए हैं। और देखें हजरात के शेर भी समात फरमाएं कि इस मजलिस के हवाले से और इस फर्श हवा के फर्श अज़ा के हवाले से कि ये करबला का जिहाद क्या है, हुसैन क्या हैं, यजीद क्या था, कि ये करबला का जिहाद क्या है, हुसैन क्या हैं, यजीद क्या था, ये फर्श मजलिस ज़माने भर में लिए हुए ये खबर गए हैं, कि ये फर्श मजलिस ज़माने भर में लिए हुए ये खबर गए हैं। और हजरात अब ये शेर समात फरमाएं कि अदावतों के ये तीर लेकर हुसैन को ढूंढिए ना बाहर, के अदावतों के ये तीर लेकर हुसैन को ढूंढिए ना बाहर, अभी अभी थे सरे सिना वो के अब दिलों में उतर गए, के अदावतों के ये तीर लेकर हुसैन को ढूंढिए ना बाहर, अदावतों के ये तीर लेकर हुसैन को ढूंढिए ना बाहर, अदावतों के ये तीर लेकर हुसैन को ढूंढिए ना बाहर, अदावतों के ये तीर लेकर हुसैन को ढूंढिए ना बाहर, अभी अभी थे सरे सिना वो के अब दिलों में उतर गए हैं। और ये शेर भी समात फरमाए, किसी ने पूछा यजीदियों में, किसी ने पूछा किधर हैं हुर, ये जवाब आया। जवाब मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि यजीदियों में किसी ने पूछा किधर हैं हुर, ये जवाब आया, विलाए हैदर थी उनके दिल में, जिधर अली हैं उधर गए हैं। यजीदियों में किसी ने पूछा किधर हैं हुर, ये जवाब आया कि विलाए हैदर थी उनके दिल में, जिधर हैं जिधर अली हैं उधर गए हैं। और ये शेर भी समात फरमाएं कि निशाने निशान कदमों के चांद तारे मिले हैं सजदे में अर्श वाले, के निशान कदमों के चांद तारे मिले हैं सजदे में अर्श वाले, वो रास्ते आसमां हुए हैं जिधर से अकबर गुजर गए हैं, के वो रास्ते आसमां हुए हैं। हौसला, निशान कदमों के चांद तारे मिले हैं सजदे में अर्श वाले, निशान कदमों के चांद तारे मिले हैं सजदे में अर्श वाले,
वो रास्ते आसमां हुए हैं जिधर से अकबर गुज़र गए हैं, और ये तज़मीन है कि अब और आगे न कोई मंजिल, अब और आगे न कोई मंजिल न दूसरा कोई और रास्ता, अब और आगे न कोई मंजिल, अब और आगे न दूसरा कोई और रास्ता, जहाँ पर फर्शे अज़ा बिछा है कदम वहीं पर ठहर गए हैं। जहाँ पर फर्शे अज़ा बिछा है कि अब और आगे न कोई मंजिल न दूसरा कोई और रास्ता, जहाँ पर फर्शे अज़ा बिछा है कदम वहीं पर ठहर गए हैं। और ये समझिए मक्ता, और आपकी मोहब्बतों के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मैं एक मिदहत गुजारिश हूँ, सनद न तमगा है कोई, लेकिन पेश करता हूँ कि मैं एक मिदहत गुजारिश हूँ, सनद न तमगा है कोई, लेकिन हिलाल मुझको सलाम करके बड़े बड़े बाहुनर गए हैं। कि हिलाल मुझको सलाम बड़े बड़े बाहुनर गए, हिलाल मुझको सलाम करके बड़े बड़े बाहुनर। बहुत बहुत शुक्रिया।